कानपुर में हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी पुलिस। पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग, 8 पुलिसकर्मी शहीद, 4 घायल। बताया जा रहा है कि विकास के साथ वहां पर 8 से 10 और अपराधी मौजूद थे। वहीं यह घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकऊ गाँव की है। विकास दुबे कानपुर का हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज है। कानपुर के राहुल तिवारी नाम के व्यक्ति ने 307 का एक मुकदमा इसके ऊपर दर्ज कराया था। इस पर दबिश डालने के लिए चौबेपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस को रोकने के लिए पहले से ही जेसीबी वगैरह लगा करके रास्ता रोक रखा था। पुलिस पार्टी के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के 8 लोग शहीद हो गए, जिसमें एक डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा, 3 सब इंस्पेक्टर, इसमें एक एसओ है और 4 कांस्टेबल है। पुलिसकर्मियों पर AK-47 से बदमाशों ने फायरिंग की। घटनास्थल पर ADG लॉ एंड ऑर्डर पहुंच रहे हैं और साथ ही SSP और IG मौके पर है। कानपुर की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। लखनऊ से भी एक टीम फॉरेंसिक की जा रही है। STF भी लगा दी गई है। CM योगी ने कानपुर में कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए DGP UP को इस घटना में शामिल रहने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CEO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है उसमें 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे।